इनसे जिनके साथ कोई आए हैं। ओ आ इंसिजिन, मिस रैनबी। शिचिन बोल रहा था कि दादी जी अकेले बोर हो रही होंगी, इसलिए मैं आके मिल लूं। दादी अपनी दोस्तों के साथ गई हुई है, आपको नहीं पता? भूल गया था। कोई बात नहीं, वो मैं पेरिस से तुम्हारे लिए स्कर्फ लेकर आई थी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। मेरे लिए लाई है? अपॉलॉजी के तौर पर। माफी शिचिन, उस दिन मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा उसे दिल पर मत लेना। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, अब इसीलिए मैं यहाँ जीजी से माफी मांगने आ गई हूँ। आपने इनसे ऐसा क्या कहा था? मेरे लिए काम करोगी? एक ग्लास पानी ले आओ मेरे लिए। प्यार का इजहार किया था। ये बताओ कि मास्क कहाँ रखे? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखे। मुझे याद है कि तुम्हें पॉलन एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा अपने पास मास्क रखती हूँ। जीजी तुम बुरा मत मानना, पहले जब तुम शिचिन के पास नहीं थी तब से मुझे आदत है इसका ख्याल रखना, लेकिन अब तो तुम इसके साथ हो तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। ठीक है। क्या ये गिफ्ट भी आपको जमा कराना होगा? बात सुनो मेरी, एक लड़की तुम्हारे पति से मोहब्बत का इजहार करती है और तुम चुपचाप सुनते रही उसे। तो क्या कहती? तुमने अपनी खामोशी में अपनी दिल की बात कह दी। मैंने, मैं समझाती हूँ, मैंने जब ओ कहा तब मेरा मतलब वो नहीं था। इस शब्द के और भी मतलब होते हैं, जैसे कि मेरा तुम पर भरोसा और हमारा साथ ही उसकी बेइज्जती है। भले ही उसने प्यार का इजहार किया, लेकिन पत्नी तो अब तुम्हारी मैं हूँ। तुम्हारा गुमान काबिले तारीफ है। तुम्हें कुछ तो जेलस होना चाहिए था ना? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये क्या है? देखते जाओ। मैं जेलस हो रही हूँ, शायद इस मास्क को पहनने से पता चल जाएगा। छोटी बच्ची हो क्या? बॉस, लेकिन ये बताइए, क्या ये गिफ्ट मुझे आपको देना होगा? उसने सिर्फ एक ही स्कार्फ खरीदा, कम से कम दो तो खरीद लेती, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। एक मिनट, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। इन सिचिन की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसने ऐसा किया था कि तुम दोनों के बीच में दरार आ जाए। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, उसके लाए हुए स्कार्फ को जमीन में फेंक देती और ये कहती कि मुझे स्कार्फ की कोई जरूरत नहीं। वो लिमिटेड एडिशन है। सच में? तो फिर मैं उसे वापस उठा लेती। देखो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, साफ करो उसे। वैसे तुम्हें उसे देखकर जरा भी जलसी नहीं हुई? हाँ हुई, थोड़ी सी। लेकिन कर भी क्या सकती हूँ मैं। रैन और यंसिचिन बचपन से एक दूसरे के साथ खेले हैं। अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आई होती तो उसी से शादी करता। बेवकूफ कहीं की, कोई माने या ना माने, तुम्हारे यंसिचिन से शादी हुई है और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। लेकिन ये गलत बात है कि तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट शादी है और जल्दी खत्म हो जाएगी, और तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और आगे क्या करना है उस पे फोकस करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बाय द वे, मुजीजिन बहुत अच्छा लड़का है, उसके बारे में सोचो। बस बिगड़ दो ये बातें। सच है ये?
ये चिचिन क्या सच में मुझे चाहता है?